बिलासपुर में 17 मार्च से शुरू होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले को स्थगित किया गया है। बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि WHO व केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मेले को स्थगित किया गया है। मेले में दूर दराज से आए दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी दिखाई दी। चीन से भारत पहुंचे कोरोना वायरस का असर अब देवभूमि हिमाचल में भी पड़ने लगा है। एक और जहां कोरोना वायरस के चलते देश में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इस वायरस को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार संजीदा नजर आ रही है। पहले WHO और केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके तहत लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की अपील की गई थी। वहीं अब इस एडवाइजरी पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक स्कूल व कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की है। साथ ही मेलों व विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा दी है। बिलासपुर में 17 मार्च से शुरू होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले पर भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि नलवाड़ी मेले को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद इस मेले को सरकार द्वारा अगला निर्णय आने तक स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही राजेश्वर गोयल ने जनता से प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। हमारा ये जो मेला है बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, परंतु स्थिति वारंट नहीं करती है, तो आज सभी हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे यहाँ नागरिक हैं और मीडिया से भी चर्चा की गई, संबंधित विभागों से भी चर्चा की गई, भाषा कला संस्कृति विभाग से अधिकारियों से चर्चा की गई, तो इसको हमने पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये जो है कोई किसी पर्व के साथ नहीं है, तो इसको क्योंकि जो स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ जो है, सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसे प्रशासन ने और संबंधित विभागों ने डेफर करने का निर्णय लिया है। वहीं नलवाड़ी मेले के लिए दुकानें लगा रहे दुकानदार भी काफी मायूस दिखे। दुकानदारों का कहना है कि वे दूर दूर से मेले में अपनी दुकानें लगाने आए थे, मगर कोरोना वायरस के चलते मेला स्थगित तो हो गया है, इससे उनकी कमाई पर भी असर पड़ा है। कहाँ से आप? गेड़ में से। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे और अब जो मेला स्थगित हुआ कैसा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हम बड़ी उम्मीद लगा करके आए थे कि मेला शुरू होने वाला है और इस मेले से हम कुछ कमा करके जाएंगे, पर मेला कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया और अब हम यहाँ उम्मीद के साथ लौट कर घर जाना पड़ रहा है। क्या लगता है कितनी तैयारी कर ली थी आपने? देखो, यहाँ मैंने फुल तैयारी कर ली थी और अब हमने सारा सामान दोबारा यहाँ से लौट करके ले जाना पड़ रहा है। ये मंडी शिवरात्रि से आए हैं, रहने वाले दिल्ली के हैं सर। ये कोरोना वायरस की वजह से मेला कैंसिल कर दिया है, जो लेबर पूवर लगाई वो सब अपनी जेब से देना पड़ा है, गाड़ी की लोडिंग वगैरह अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। या किस कौन से मेले के लिए आए थे आप? ये नरवाड़ी मेला बिलासपुर, उस मेले के लिए। क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये कोरोना वायरस की वजह से ना कैंसिल कर दिया है मेला। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।